आ जाता है। ये काई के समान छोटे छोटे उगते हैं सब। अरे इसको चलाओ ना जी, ये कूलर कहीं नहीं चल रहा है। एसी यहाँ ठीक है, सही आ रहा है। यहाँ पे कवक काई के समान उगने वाले छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसको बॉटनी में पढ़ा जाता है। ये कई अलग अलग टाइप के होते हैं कवक। ये भोजन, क्या भोजन बना लेते हैं? भोजन नहीं बना, दूसरे के सड़े गले भोजन पर आश्रित रहते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी। भोजन खुद से नहीं बना सकते, इस वजह से इनका रंग हरा नहीं होता। मेनली कितनी कैटेगरी थी? तीन। कितनी कैटेगरी? तीन। कौन कौन? मशरूम, पेनिसिलिन और ईस्ट। मशरूम में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन, जबरदस्त होता है मशरूम में, खाइए। वहां पे और जहरीला भी होते हैं सब मशरूम। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? क्या कह रहे हो? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए इसके बाद नीचे, उसके आगे बताया था आपको ईस्ट के बारे में। कोई भी जीव का बायोलॉजी में अगर कोई चीज सड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ईस्ट कह रहा है। किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? किण्वन या फर्मेंटेशन। आगे बढ़े, बैठ जा बाबू। बाबू जो नीचे बैठने वाला जगह है ना, उस पर नीचे बैठा करो लोग। बाबू अभी बैठो तो थोड़ा सा, आप बैठो, आठ भर एडजस्ट कर लो। इधर जितने बैठे हैं लोग ना, जो बैठने वाला सीट है उसी बैठा कर रहे हैं। दिमाग चाट जाता है सही सब। हम लाइव में पढ़ाएंगे, वहाँ एप्लीकेशन वालों को कैसा लगेगा उन सब को कि आप लोग को बैठा रहे हैं उस सबको नहीं। यहाँ पे खूब से खूब आप लोग कितना होंगे लोग दिन भर में? 10 से 15 हजार, 20 हजार, पूरा बैच मिला के इससे ज्यादा तो नहीं होंगे सर। लेकिन आप लोग की वजह से उसमें लाखों को डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक रहिए। आप बार बार ना समझाना पड़े। और लाइव वालों को भी हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बहुत सारे ऐसे लड़कों को लगता है स्टूडियो में, देखिए स्टूडियो में पढ़ाना अलग चीज होता है, लड़का को लगेगा लाइव पढ़ रहे हैं। अब ऐसे पढ़ाने का मतलब उसको लगेगा कि भाई जो पटना में पढ़ाई हो रहा है वही उसके घर पे भी हो रहा है। बस अंतर ये कि सामने सामने नहीं है, मोबाइल पे है। तो आप लोग भी समझदार बनिए, थोड़ा बेवकूफ की तरह काम करने लगते हैं ना। हम आपको दूसरा बताते हैं, कौन सा जी? शैवाल। शैवाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्गी। शैवाल को अंग्रेजी में एल्गी। बताइए प्लांट जो किंगडम था, प्लांट किंगडम, इसको कितने भाग में बांटे थे? प्लांट किंगडम दो भाग में। कौन कौन? अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद। दूसरा क्या था? पुष्पोद्भिद। दो टाइप के हो गए सब। इसको कितने भाग में? तीन भाग। कौन कौन? हेलो पाइटा, ब्रायोफाइटा और दूसरा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा यहां तक बता दिए थे, इसको छोड़ देते हैं यहां पे। ये कितने भाग में बटा था बाबू? कितने भाग में? अच्छा पहला बोलिए कवक, उसके बाद शैवाल, लाइकेन, लाइकेन के बाद जीवाणु। क्या हो गया? जीवाणु, जीवाणु हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कवक जो होता है, ये कवक कितने डिजाइन का देखे थे हम लोग? कौन कौन? मशरूम, पेनिसिलिन और ईस्ट। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। ध्यान से समझिए, हम लोग कैसे याद रखे थे भैया, ये भुला जाता है कि माइकोलॉजी इसका है या फाइकोलॉजी इसका है, क्योंकि दोनों लगभग लगभग क्या करते हैं? मैच करते हैं सर। तो माइकोलॉजी किसका होगा? फाइकोलॉजी। एक सैफ नाम का तलवार होता है, सैफ। क्या होता है? सैफ। सैफ अली खान का नाम सुने? सैफ। क्या है? सैफ। स से शैवाल, फ से फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, तो कवक वाला माइकोलॉजी। तो सैफ अली खान से याद रखिएगा, समझ में आगे कि नहीं आगे? सैफ से सैफ अली खान को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? सैफ। हालांकि नेमो तो सैफ है, सैफ अली खान, अली तो टाइटल रहता है। तो इसका हो गया, इसका अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। कवक जो होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। कवक के अंदर क्या रहता है? सॉरी कवक बोल दिया, शैवाल के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण शैवाला हरे रंग के भी होते हैं, अन्य कलर के भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हरे रंग के पाए जाते हैं। ये शैवाल अपना भोजन खुद बना लेते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल से सूर्य का प्रकाश लेंगे और अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं।
अपना स्वयं का भोजन बना लेने के कारण हम इन्हें कभी भी मृतोपजीवी या परपोषी नहीं कहते हैं। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? स्वपोषी। ये भोजन को स्टार्च, स्टार्च को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मंड या शर्करा। मंड है, शर्करा का ही एक डिग्री है, मंड कहते हैं स्टार्च को। ये भोजन को किस रूप में रखता है? स्टार्च। यानी अगर हम शैवाल खाएंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा कि स्टार्च मिलेगा? जिस रूप में वो इकट्ठा रखता है वही रूप हमें मिलेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? स्टार्च। तो हम जब कभी शैवाल का उपभोग करेंगे तो हमें उसमें क्या मिलेगा? स्टार्च। किसी को यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? शैवाल कैसे दिखते हैं? तो बाल का देखिए, ये जो मेरा बाल नहीं, महिला का वो झोंझे नहीं रहता है, उसको काट के ऐसे नदी में लहरा दीजिए, शैवाल वैसे ही तैरते रहता है। किस रंग के रहेंगे सब? हरे रंग, झोंझे बाल। यहाँ पे 8-10 को महिला को टकला कीजिए और उसका बाल आपस में क्या कर दिए? बांध दीजिए और उसको क्या कर दिए? नदी में फेंक दीजिए। वो कैसा दिखने लगेगा? शैवाल। लेकिन वो काला होता है, शैवाल कैसा रहता है? हरा। अब उसमें शैवाल में बहुत बार आदमी फंस जाता है, तैरने वाले जो होते हैं लोग ना, अगर घने शैवाल में फंस जाएंगे लोग डूब जाते हैं, लोग पैर और मारेगा उसी में फंस जाएगा। और उस शैवाल बड़े बड़े होते हैं, इतना बड़ा धागा, पतले पतले निकलते हैं सब, कुछ दिन हो जाएगा तो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो नदी वगैरह में जो लोग नहाए होंगे उन लोगों को शैवाल देखने को मिले होंगे सब, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? शैवाल में फंस के आदमी डूब भी जाता है, बहुत बड़े बड़े भी शैवाल होते हैं सब। दुनिया का सबसे बड़ा शैवाल सारगैसो शैवाल है। कौन सा है? सारगैसो शैवाल। ये अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। ये इतना बड़ा है, इसमें टाइटेनिक भी यहीं डूबी थी सारगैसो सागर में। कहाँ डूबी थी? सारगैसो सागर में। कौन जहाज डूबी थी? टाइटेनिक। ये जगह कौन सा है? सारगैसो सागर। कौन सा सागर? सारगैसो। यहाँ जो शैवाल पाया जाता है उसकी मतलब बहुत ज्यादा और बहुत घने मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ छोटी जहाजों को जाने पर रोक लगाया गया है कि छोटी जहाजों का जो प्रोपेलर होता है घूमने वाला पंखी नीचे, वो उसी में क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। तो शैवाल समुद्री ये जलीय जीव होते हैं, जल में ही पाए जाते हैं सब शैवाल। कई अलग अलग डिजाइन के शैवाल पाए जाते हैं सब। एक शैवाल में ट्राइकोडेस्मियम होता है। शैवाल का नाम क्या है? ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम शैवाल लाल रंग का होता है। कैसा होगा? लाल। अब आपको पता है कि पानी का कोई अपना कलर नहीं होता है, उसे लाल बर्तन में रखेंगे तो लाल दिखेगा, हरे बर्तन में रखेंगे तो हरा दिखेगा। जब कभी भी नदी में या समुद्र में लाल वाला शैवाल पाया जाएगा तो वो समुद्र ऊपर से कैसा दिखेगा? लाल। तो लाल सागर में किस, लाल सागर का लाल रंग किसके कारण है? शैवाल का। कौन सा शैवाल? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। पूरा नाम क्या होता है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, चार बार बोलिए याद हो जाएगा। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। क्या जी? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा लाल सागर का लाल रंग किसके कारण? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। अगर ये याद नहीं हो रहा है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम तो ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा। समझ में गया? कहाँ लिखा रहता है? बी पर। और अगर याद हो गया तब तो ठीक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो या तो आप क्या याद करेंगे? लाल सागर का लाल रंग बी, लाल सागर का लाल रंग बी, ऑप्शन बी। समझ में गए? नहीं रहेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हम ये क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते बुढ़ा गए हम, समझना। कितना लाख क्वेश्चन आंख के सामने से गुजरा होगा, दिन रात यही कामे रहता है। डॉक्टर देख के कैसे मरीज को बता देता है कितना लेवल का मरीज है, आप सीरियस है या नहीं है। स्टेशन पे टीटी कैसे देख लेता है विदाउट टिकट, ये एक रे पकड़। समझा गया कि नहीं आएगा? लेकिन लड़की सबको तो सब डाउट रहेगा, उस सबको है ऑप्शन बी, हम सी मारेंगे, दूसरे का बात मानेंगे हम। लाल सागर का लाल रंग सी मार दो। आप लोग क्या मारिएगा? बबनी आप सी मार दीजिए। ये वाला सागर कौन सा है? लाल। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम के कारण। ये भोजन को किस रूप में रखते हैं? स्टार्च के रूप में। शैवाल जो होते हैं ये कई अलग अलग काम में आते हैं। एक शैवाल होता है ना, वो नदी में जो पाया जाएगा वो पूरा हरा रंग का नहीं होगा। आप देखेंगे जितने लोग नदी में देखे होंगे वो नीला और हरा टाइप का मिक्सचर होता है, उसका कलर हल्का नीला भी रहेगा और हल्का हरा भी रहेगा। तो ना आप उसे नीला कह सकते हैं ना उसे हरा कह सकते हैं, उसलिए उसे नीला हरा शैवाल कहते हैं। क्या कहेंगे? नीला हरा शैवाल। ऐसे शुद्ध हिंदी में नील हरित शैवाल। क्या कहेंगे? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल खाद का काम करता है, उसको लाइए
खेत में क्या कर दीजिए, छिड़क दीजिए, तो खेत में छिड़क देते हैं तो खेत में नाइट्रोजन की कमी को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। तो सहवाल के कई सारे क्या होते हैं सर, इंपॉर्टेंस होते हैं सर। नील हरित सहवाल खाद के काम में आएगा कि नहीं आएगा? जापान के लोग भूरा सहवाल को सब्जी बना के खा जाता है सर, खाना में खा जाता है सर, भूरा सहवाल चारा के रूप में, मतलब जापान वाला जानवर को चारा देता है सर, आदमी को खुद नहीं खाता है सर। जानवर को वहां पे कौन सा सहवाल दिया जाता है, भूरा सहवाल। भारत में भी दिया जाता है बट भारत में भूरा सहवाल उतना पाया नहीं जाता है। तो भूरा रंग का सहवाल को किस काम में ले सकते हैं, चारे के रूप। नील हरित सहवाल को किस रूप में, खाद के रूप। किस रूप में, खाद के रूप। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम का रंग कैसा होता है, लाल। कैसा रंग होता है, लाल रंग का होता है। सहवाल के कई सारे महत्व होते हैं सब, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं सब। सबसे ज्यादा और बड़े मात्रा में कौन सा सहवाल होता है, सार्गासो सागर। टाइटेनिक कहां डूबी थी, सार्गासो सागर में। सार्गासो सागर अटलांटिक महासागर में डूबी थी। कुछ अलग ऐसे सहवाल होते हैं, इसमें एक का नाम है कोलोरोला सहवाल। क्या नाम है, कोलोरेला। कोलोरेला, कोलोरेला नामक सहवाल होता है। इसमें कोशिका विभाजन बड़ी तेजी से होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। अगर इतना ज्यादा क्या चीज है, कोलोरोला नामक सहवाल है, उसका सब खा जाइए, तनी सा छोड़ दीजिए जोरन भर का। तनी सा क्या कर दीजिए, जोरन समझते हैं, दही का तनी सा ले गया दूध में डाल देंगे ना, तो तनिए सा सबको क्या कर देगा, दही बना दे, उसी को क्या कहा जाता है, जोरन कहा जाता है। देहात में जोरन बोला था, सीबीएसई वाला कार्ड कहता है, दहिया को कार्ड कहेगा, स्वीट कार्ड, स्वीट कार्ड। सीबीएसई वाले को पता है जोरन कौन सी होता है, अब सीबीएसई बोर्ड के हैं, अरे भाई। तो अगर आप कोलोरोला नामक सवाल लिए हैं इतना ज्यादा, उसको गमला में क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। कोलोरोला नामक सवाल को किसमें लगा दीजिए, गमला में, सब नोच नोच खा जाइए, नोच नोच के क्या खाए, तनी सा भी छोड़ दिए ना, तनी सा, तो क्या करेगा, फिर से बना लेगा, अब बहुत जल्दी एक हफ्ता के अंदर क्या कर देगा, रिकवर कर देगा, इतना तेजी से उसमें क्या होता है, रिकवरी होता है। कोलोरोला नामक सहवाल में प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसमें प्रोटीन की कमी नहीं होती है। तो कोलोरोला नामक सहवाल में क्या मिलता है, प्रोटीन। तो अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं ना अपने अंतरिक्ष यान से, तो वो अपने अंतरिक्ष वाले यान में खिड़की के पास गमला में क्या लगा देते हैं, कोलोरोला। अब अंतरिक्ष में तो सूर्य का प्रकाश तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई कमी होने वाली नहीं है। अब वो सूर्य के प्रकाश में क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप कौन सी गैस ले लेता है, CO2, और देता कौन है, ऑक्सीजन। तो अंतरिक्ष यात्री अपने केबिन में जब कोलोरोला नामक सवाल लगाते हैं, तो उनके CO2 को कौन ले लेता है, कोलोरोला, और बदले में उन्हें क्या दे देता है, ऑक्सीजन। और जब उन्हें खाने का मन करता है तो उसमें से नोच के क्या करते हैं, खा लेते हैं। अब वहां हाई प्रोटीन उनके शरीर में हो जाता है, अब भाई वो खत्म हो जाएगा नहीं, फिर से क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो उनमें कई फायदा होता है। और दूसरा क्या है कि ये सवाल है बहुत बड़ा भी नहीं होगा, पता चला आम का पेड़ लगा दीजिए अंतरिक्ष यान में, फाड़ के निकल जाएगा, आई एम मैंगो। तो वो छोटा होता है, ज्यादा उसका एरिया भी नहीं होता है। तो कई व्यावसायिक काम में आए जाते हैं, किसका प्रयोग किया जाता है, सवाल का प्रयोग किया जाता है, किसी कोई दिक्कत। पानी हल्का जरूरत रहता है, ज्यादा जरूरत, ज्यादा पानी, ज्यादा बड़ा पेड़, ज्यादा पानी, जैसे आप बचपन में थे तो कम में पानी पीते होंगे चम्मच से, अभी सिरे डकार जाते हैं, तो छोटा छोटा पौधा होता है। समझ में गया, बोलो, खड़ा हो, पता नहीं क्या बोल रहा, नीचे आई घसकाओ, तेज बोलो, रोज का लीजिए, लीजिएगा भाई, जिस चीज के लिए आपका शरीर हैबिचुअल है आप वही खाइएगा ना। हम लोग को मजबूरी में खिला रहा है लोग, किसको, अंतरिक्ष यात्री को, कि अंतरिक्ष यान में ज्यादा जगह नहीं होता है लिट्टी चोखा भौरी घाटी सब ले जाने का, तो मजबूरी में उसे खिला रहे हैं। और आप तो अत्याचार का हद पार कर दिए, डेली खाने को बोलते हैं, गजब खतरनाक आदमी है आप। मजबूरी में यूटिलाइज करना है ना, वहां पे ज्यादा जगह नहीं रहता है उसमें, और ये सब चीजों को ले जाएंगे तो ये सबके लिए एक फ्रिज रखना पड़ेगा आपको वहां, वरना आप मान के चलिए किसी डिब्बा में भर के लेके चल गए, अब वो खराब भी तो हो सकता है। ये क्या है, नेचुरल है, इसको बस हल्का हल्का पानी देते रहिए। अंतरिक्ष में तो हल्का सा पानी वगैरह की सप्लाई लेके जाया जाता है, पानी जितना यूज कराता है, तो कम से कम सामान को ना अंतरिक्ष में ले जाना है। इस वजह से खाएंगे तो हमारा शरीर हैबिचुअल नहीं है उसके लिए, अंतरिक्ष यात्री को पहले से उसे ट्रेनिंग देना रहता है। आप खाने के लिए आप भी क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, बट हम लोग शुरू से उसको नहीं खाए तो बॉडी जल्दी एडजस्ट नहीं करता है। तो ये क्या होते हैं भैया, सवाल।
शैवाल का आर्थिक महत्व समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डाइकोटेस्मियम के कारण समुद्र का रंग लाल, भूरा शैवाल का प्रयोग किस रूप में? चारा। नील हरित शैवाल का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। नील हरित शैवाल का खाद नाइट्रोजन के लिए, मतलब उसमें डाल देंगे तो क्या करता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता है, खाद के रूप में वो काम कर देता है। कोलोरोला नामक शैवाल को कौन ले जाता है? अंतरिक्ष यात्री कोलोरोला नाम के शैवाल को ले जाते हैं। सब इसमें शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल सूखे जगह पे निकलेंगे कि नमी वाले जगह? शैवाल प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं? कर सकते हैं, वेरी गुड। भोजन के रूप में ये किस चीज क्या जमा करते हैं? किसका? स्टार, करेक्ट। शैवाल का हरा रंग जो होता है अल्फा फाइको एरिथ्रियम के कारण, तो बस एरिथ्रियम याद रखेंगे। फाइको तो इसका अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, हरा रंग किसके कारण हो जाता है? एरिथ्रियम, अल्फा फाइको एरिथ्रियम, अल्फा फाइको एरिथ्रियम। अब भूरा रंग हो जाता है अल्फा फाइको जेंथियम, अल्फा फाइको जेंथियम। लाल रंग हो जाता है ट्राइको डेस्मियम, लाल रंग ट्राइको डेस्मियम, लाल। अब भूरा रंग अल्फा जेंथियम, भूरा रंग अल्फा जेंथियम, भूरा, भूरा रंग अल्फा जेंथियम, भूरा रंग, काला रंग अल्फा फाइको एरिथ्रियम, अल्फा फाइको एरिथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम से, ट्राइकोडेस्मियम से अल्फा फाइको एरिथ्रियम से काला, अल्फा फाइको जेंथियम से भूरा। भूरा शैवाल का प्रयोग कहां करते हैं? सबसे लंबा शैवाल कौन सा होता है? सार्गेसो सागर। धान के खेत में नाइट्रोजन की कमी के लिए किसको छिड़काव करते हैं? लेमिनेरिया नामक शैवाल में आयोडीन होता है, समुद्र में पाया जाता है। लेमिनेरिया शैवाल से क्या मिल जाता है? आयोडीन। लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन, लेमिनेरिया से अल्फा फाइको एरिथ्रियम, कैसा रंग? हरा रंग। अल्फा फाइको एरिथ्रियम कैसा? हरा। अल्फा फाइको जेल्थियम, अल्फा फाइको जेल्थियम, ट्राइको डेस्मियम एरिथ्रियम, लाल। किस शैवाल का प्रयोग चारे के रूप में होता है? किस शैवाल का? भूरा। किस शैवाल का प्रयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए होता है? नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। समुद्र में पाए जाने वाला वह शैवाल जिसमें आयोडीन होता है, लेमिनेरिया। कौन सा शैवाल? लेमिनेरिया। कौन सा शैवाल? लेमिनेरिया। आयोडीन की पूर्ति करता है लेमिनेरिया, आयोडीन की पूर्ति लेमिनेरिया। कौन सी? लेमिनेरिया। शैवाल का हरा रंग किसके कारण? अल्फा, भूरा रंग बोलिए, अल्फा फाइको जेंथियम, लाल रंग, हरा रंग। सार्गेसो सागर की लंबा, मतलब सार्गेसो सागर में जो शैवाल पाए जाते हैं वो सबसे लंबा होता है। भूरे शैवाल का प्रयोग कहां करेंगे? नील हरित शैवाल का प्रयोग किस खेत में करते हैं? धान के खेत में। लेमिनेरिया से किसकी प्राप्ति है? कोलोरेला नामक शैवाल को कौन लेके जाता है? शैवाल भोजन को किस रूप में रखते हैं? शैवाल का हरा रंग किसके कारण? अल्फा फाइको एरिथ्रियम। शैवाल का भूरा रंग अल्फा फाइको जेंथियम, अल्फा फाइको जेंथियम। शैवालों का अध्ययन, प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कछुआ के ऊपर जम जाता है। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कहाँ जम जाता है? कछुआ के ऊपर। कछुआ जो होता है उसका खोपर, समुद्री कछुआ देखेंगे चौकी बराबर होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है कछुआ। और उसका जो ऊपर का पीठ होता है तो उन सबका हाथ ऊपर जा नहीं पाता है ऐसे, तो बहुत सारे कछुए मर जाते हैं, उनके ऊपर कवक जम जाता है या शैवाल जम जाता है। तो प्रोटोडर्मा नामक शैवाल, कौन सा शैवाल? प्रोटोडर्मा नामक शैवाल। जब कभी भी यह प्रोटोडर्मा नामक शैवाल किसके ऊपर जम जाता है? कछुए। तो कछुआ क्या करता है उस शैवाल को हटाने के लिए? उथले पानी में चला आता है जहां छोटी मछलियां होती हैं, उथले पानी में, और उथले पानी में बाहर आके बैठ जाता है। तो इस जो प्रोटोडर्मा नामक शैवाल है ये प्रोटीन इसमें ज्यादा पाया जाता है, तो छोटी मछलियां उसको नोच नोच के क्या कर जाती हैं सब? खा जाती हैं सब। अब वही समुन्द्र में रहेगा तो छोटकी मछलियां बीच गहराई में नहीं जा पाती हैं सब, तो साइड में आके क्या करेगा? बैठ जाएगा, तो उसके ऊपर से क्या करेंगे सर? नोच नोच के खा जाते हैं सर। जैसे कैसे कौआ आता है भैंस के कान में से घुस के खोटी निकाल के खा जाता है,
आराम से खोल देती है, ले जो खा जाओ, लेते जाए आप। देखे कीचड़ वगैरह निकाल लेते हैं। मगरमच्छ जो होता है ना, मगरमच्छ पूरा दांत ऐसे खोल लेता है, ऐसे बैठ जाएगा बाहर निकल के। तो जो चिड़िया होती है ना, मांसाहारी चिड़िया, उसके मुंह के अंदर घुस के दांत के बीच में जो मांस फंसा रहता है, उसके पास तो खोदनिया नहीं रहता है, होटल में नहीं, वो खोदनी दे देता है, खाइए खोदते जाइए यहाँ पे। जो ना के नहीं हो फसल रहता है तो उन्होंने लेके घुस रहा है, समझ आ गया कि नहीं आ गया वहां पे। तो उन सबको तो खोदनी रहता नहीं, अब मगरमच्छ को खोदनिया दे दुका बोलता है सब। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, टूथपिक, हाँ भाई, अरे कोई पीक लीजिए। तो टूथपिक उसको देंगे तो खोदेगा कैसे? तो मगरमच्छ क्या करता है, इसे मुंह खोल देता है। और छोटी छोटी चिड़िया है वो शिकार कैसे करेगी, अब मांसाहारी है तो क्या करेगी, मगरमच्छ के मुंह में बैठ जाएगी और दतवा के बीचों में जितना मांस फंसा है सब निकाल निकाल के खा जाएगी। अब मगरमच्छ कभी भी मुंह नहीं दबाता, जानता है कि अगर एक बार इसका मुंह दाब दिए सब हरक जाएगी, सब हरक जाने का मतलब समझते, हरक जाने का मतलब होता है कोई चीज डर जाना, क्या जाना, डर जा, सावधान रहना, उसी को क्या कहा जाता है, हरक गया तो बंद नहीं करता। जब भी देखिए इन जानवरों में इंसानियत आजकल ज्यादा है, इंसान में बहुत कम इंसानियत हो गई, अजीब अजीब हो गई। अभी हम शाम को जब जा रहे थे ना, बेचारा एक फोस्का वाला गुपचुप बेच रहा था इसे, तो कोई लड़का था, स्टूडेंट थे सब, चार पांच को खा लिए थे, से उसका पैसा नहीं दे रहे थे, अपने को बहुत शान समझ रहा था। बताए वो कितना कमाता ही होगा, उसमें से बिजनेस है ना उसका, उसमें तो उसकी पूंजी भी लगी है, बेचारा रात भर उसका मसाला बनाया होगा, तेल में आटा बेल के फिर कुछ गोल गोल काटा होगा, छान के फिर पैक करके ठेला पे लेके आया, उसमें से खा के करा, कैसे पैसा लेगा, पैसा लेगा हमसे लेगा। ऐसे ही सबको देखिएगा ना, आगे जाके करियर बड़ी बर्बाद होता है सबको। आप किसी के दूसरे इंसान के सीसीटीवी से बच सकते हैं, ऊपर वाला भी हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है, वो देख रहा है आप कहीं बदनामी करिएगा, अपने ज्यादा दादागिरी दिखाइएगा ना, तो ऊपर वाला किस पे दादागिरी दिखा देगा, आप ही पर। लेकिन ऊपर वाला इतना समझदार है ना कि चार साल बाद एक्शन लेता है, ताकि इसको पुरानका गलतियां भुला जाए। और ऊपर वाले से दुआ मांगिएगा ना, प्रार्थना कीजिएगा कि हमारा ही सुन लीजिए, तो चार साल बाद सुनेगा, ताकि ओकरा यो ना लगे कि हम बहुत मतलब बहुत महान आदमी है। तो लोग कहते हैं कि रे ओकरा तोरा सब 2016 में मांगले रहियो, कहां पूरा हुआ, भाग तो भगवान ठीक नहीं है। कितना साल का अंतराल है, चार साल, क्योंकि अभी भगवान जो है ना वो थोड़ा टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे है, वहां 5G नहीं आया है, वही वाला कबूतर वाला सिस्टम चल रहा है, कबूतर जा, इसलिए हमेशा क्या करता रहे, एक दूसरे से इंसानियत बना के रखे, जानवर से सीखिए कितना इंसानियत रहते है। मतलब बड़ी हमको अजीब लगा वहां। और होता क्या है कि अब आदमी जल्दी उतर के जा भी नहीं सकता है कहीं पे, हमको मन किया कि सुझा को कहते कि लो भैया हम ही से पैसा ले लो, अब दो तीन हाथ दे देते ओकरा, फिर कहे कि छोड़ो यार देखते हैं क्या होता है, ट्रैफिक लग गई चलो, क्या ये सब छोटी छोटी मान से। और जानते हैं यही सब की वजह से गाली किसको सुनना पड़ेगा, 11 करोड़ बिहारी लोगों को, 4-5 की वजह से 11 करोड़ लोगों को गाली सुनना पड़ेगा। तो 11 करोड़ मिलके वो 400-500 का हत्या का नहीं कर दे, मार एकदम भयानक, जब हाल है बेचारा गरीब इंसान को सताता है। तो ये समझ में आ गया, सब एक दूसरे पे क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। प्रोटोडर्मा नामक सवाल क्या, कछुआ के उसपे कौन सा सवाल जमता है, प्रोटोडर्म, कछुआ के शरीर पर प्रोटोडर्मा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कछुआ के शरीर पे कभी कभी कवक भी जम जाते हैं सब, और वो कवक छोटे होते हैं, जल्दी छोड़ते नहीं है सब। कवक का जड़ कैसा होता है, मजबूत होता है, छोड़ता नहीं है, और उसी पर रह रहे 2-3 साल के अंदर धीरे 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 कछुआ का जो बाहर वाला खोपड़िया है ना उसको छेद के खा जाता है समाप्त। और धीरे धीरे कछुआ को बहुत तकलीफ होता है। अब कछुआ कर क्या सकता है, कुछ नहीं, तो साइड में क्या करता है कछुआ ना, साइड में आएगा और समुद्री लहरों का इंतजार करेगा, और जैसे लहर आएगा ना तो एक साइड से इसे उठा देगा, एक साइड से उठा के तो लार्वा इसको पलट देगा। अब जहां पलट गया अभी गोल 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 बलुआ पे नाचेगा पूरा सवाल समझ में आ गया आप लोगों? बताइए सवाल का दिन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। सवाल भोजन बना सकते हैं या नहीं, क्लोरोफिल होता है या नहीं, नमी वाले जगह पे या सूखे वाले जगह पर, भोजन को किस रूप में रखते हैं, भूरे रंग का सवाल, अल्फा फाइको इरिथ्रिया।
खेत में। भूरे रंग के सवाल का रंग क्यों होता है? भूरे रंग का सवाल का कारण अल्पा फाइको जेंथियम, अल्पा फाइको जेंथियम। क्या क्या होता है? अल्पा फाइको जेंथियम। भूरे सवाल का प्रयोग कहाँ होता है? चारे के रूप में होता है। आगे बढ़े, नील हरित, हालांकि हरा नहीं, नील हरित सवाल का प्रयोग कहाँ होता है? धान के खेत। कोलोरोला नामक सवाल का प्रयोग कछुआ कर अंतरिक्ष में। कोलोरोला नामक सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यान में। प्रोटोडर्मा कछुआ। लेमिनेरिया आयोडीन प्रोटोडर्मा। चारा के रूप में किस सवाल का प्रयोग? भूरा सवाल का रंग किसके कारण भूरा? अल्पा फाइको जेंथियम। लाल सागर के लाल रंग ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। कवक से सवाल आएगा तो बता सकते हैं, सवाल से आएगा तो बता सकते हैं। कवक अपना भोजन बना सकता है, सवाल बना सकता है। इन दोनों का गुण पाया जाता है किसमें? लाइकेन में। तो कवक और सवाल दोनों के गुण किसमें देखने को मिलते हैं? लाइकेन में देखने को मिलते हैं। किसमें? लाइकेन में। लाइकेन को क्या कहा जाता है? सैक। लाइकेन को हिंदी में क्या कहा जाता है? सैक। तो लाइकेन कहिए या सैक कहिए? लाइकेन या सैक? लाइकेन। लाइकोन को क्या कहा जाता है? सैक। हो गया सैक। लाइकेन जो होता है ये किसके बीच की कड़ी मानी जाती है? कवक और सवाल के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? लाइकेन को। इसमें दोनों के गुण देखे जाते हैं। लाइकेन जो होता है ये इसके भी कई सारे यूज है। लाइकेन के भी क्या होते हैं? कई सारे यूज। जैसे आपको सवालों के कई सारे यूज बताए थे, बताए नहीं यहाँ पे, आप बताइए। हम कवक का भी यूज नहीं बताए आपको। यीस्ट के रूप में कवक का प्रयोग करते हैं, पेनिसिलिया के रूप में करेंगे हम लोग, मशरूम के खाने के रूप में करते हैं। वैसे सवाल का भी बताए, वैसे लाइकेन का भी यूज होता है। बहुत सारे लाइकेन का यूज होता है। एक्चुअली में लाइकेन जो होता है वो मूल रूप से जो होता है नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीला। लाइकेन मेनली किस कलर का होता है? ब्लू। लेकिन अगर ये प्रदूषण होने लगता है, अगर हवा में क्या होने लगे, प्रदूषण होने लगता है, तो उसका रंग हल्का क्या होता है? फीका पड़कर और वाइट होने लगता है। क्या होता है? सफेद। ठीक लिखा है, बीचवा में से चालू कर दिया था लिखना इसे। तो अगर वायु में क्या चीज है? प्रदूषण है। अगर वायु में प्रदूषण है तो वायु में प्रदूषण होने के कारण लाइकेन का रंग ब्लू से कैसा होने लगता है? सफेद। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण का सूचक, किसका सूचक? वायु प्रदूषण का सूचक हम किसे कह सकते हैं? लाइकेन। किसे कह सकते हैं? लाइकेन। ये बता देता है अगर लाइकेन नीले रंग का है तो हवा कैसी है? परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लाइकेन सफेद हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? भैया हवा में प्रदूषण है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। ब्लू रंग का ही पाया जाता है कौन सा? लाइकेन। इस लाइकेन से हम लोग लिटमस पेपर बनाते हैं। इस लाइकेन से क्या बनाते हैं? लिटमस पेपर बनाया जाता है। लिटमस कौन सा पेपर बाबू? लिटमस पेपर बनता है। लिटमस, लिटमस पेपर जैसे आपका अखबार का पेपर होता है ये वाला पेपर, ऐसे ही होता है लिटमस पेपर। ये कागज का पेपर है, ये लकड़ी से बना हुआ है, सेलुलोज का पेपर है। वैसे ही लकड़ी के जगह पे ये भी तो लकड़ी की तरह होते हैं सब, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट डिजाइन के होते हैं सब। तो उससे जो कागज बनाते हैं वो कैसा होता है? क्या होता है? लिटमस पेपर। वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, खींचेंगे तो ना कपड़ा की तरह, एकदम कड़ा नहीं होता है, तो बहुत कड़ा होता है। वो कपड़ा की तरह लुजुर पुजुर होता है लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर जो होता है वो एसिड को और बेस को इजीली पहचान सकता है। लिटमस पेपर मेनली किस कलर का होगा? ब्लू कलर का। रेड कैसा कह दिए भाई? लिटमस पेपर कैसा होता है? ब्लू कलर का। किस कलर का? ब्लू कलर का होता है। क्यों? क्योंकि लिटमस पेपर की प्राप्ति किससे होती है? लाइकेन, ग्राफिक्स नामक लाइकेन से। किस लाइकेन से? ग्राफिक्स। किस लाइकेन से? ग्राफिक्स नामक। तो बताइए यहां हम लिख देते हैं ग्राफिक्स। क्या लिख देते हैं? ग्राफिक्स। ग्राफिक्स नामक लाइकेन से किसकी प्राप्ति होती है? लिटमस। और ये लिटमस मूल रूप से किस कलर का होता है? ब्लू। और अगर हमें लाल लिटमस चाहिए तो इस ब्लू पर क्या गिराना पड़ेगा? एसिड। क्या गिराना पड़ेगा? एसिड। तब ये लिटमस कैसा हो जाएगा? रेड। क्या होगा? रेड। और तब हमको लिटमस कैसा मिलेगा? रेड कलर का। बट ओरिजिनली लिटमस किस कलर का मिलता है? ब्लू। लाइव वाले लोग ध्यान से समझिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। लाइकेन जो होता है ध्यान से देखिए, कवक एवं सहवाल के बीच की कड़ी किसे कहेंगे?
की कड़ी लाइकेन। लाइकेन को हिंदी में क्या कहते हैं? सैन। ये कवक और शैवाल के बीच की क्या है? कड़ी है। किस कलर का लाइकेन होता है? ब्लू। हवा में प्रदूषण है तो लाइकेन का कारण सफेद। क्या होता है? सफेद। लाइकेन भी कई वेराइटी के पाए जाते हैं। लाइकेन भी क्या होता है भाई? कई वेराइटी के पाए जाते हैं। तो ब्लू ग्राफिक्स नामक लाइकेन से क्या मिलता है? लिटमस। लिटमस ओरिजिनली किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। किस कलर का? ब्लू कलर। लेकिन अगर इस पर एसिड डालेंगे तो क्या हो जाता है? लाल। क्या डाल जाता है? लाल। क्या होगा? लाल। याद कैसे रखिएगा? एसिड मतलब होता है तेजाब। एसिड मतलब क्या होता है? तेजाब। किसी पर तेजाब फेंकिएगा तो गुस्सा से क्या हो जाएगा? लाल। अब एकदम खोपड़िया पर मत फेंकिएगा, हल्का इसे गिराइबो कीजिएगा पासे में इसे, एसिड यहाँ पर इनका मुंह में फेंक दे। अरे हम समझाने के लिए बता रहे हैं यहाँ पर। कोई मुंह पे लड़की सब पे एसिड अटैक हो जाता है, बहुत गलत बात है। लेकिन जिस लड़की पर एसिड अटैक हो गया है उस लड़की को भी सोचना चाहिए कि भाई तुम्हारा लाइफ तो उसने खराब कर दिया, तुम 10 साल केस लड़ोगी, इससे बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। भारत में जो कमजोर होता है वही मुकदमा करता है। उससे अच्छा है कि पहले इलाज उलाज करा लो, ठीक ठाक हो जाओ, एक दो साल लगेगा इलाज में। जब तक जो एसिड फेंका है वो भी क्या हो जाएगा? उसके दिमाग से उतर जाएगा। आराम से एक बोतल एसिड लो। और वो जो किसान जो ऐसे कैसे छिड़कता है उसको टांग दो इसमें, अब प्रेशर वाला, उसमें प्रेशर बढ़ा घटा सकते हैं। एक में प्रेशर में बढ़ा देंगे तो दूर तक फेंक देगा। अब वही वाला टांगिए, उसमें पानी भर के एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पानी भर के एक प्रैक्टिस कीजिए, और जिस दिन मौका मिले, कोनो त्योहार का दिन रहे, उसके घर में घुसिए जिसने फेंका था, अब पूरा घर नहवा दीजिए। जितनी चूंकि बच्चों ने नहवा दो साले को पूरा। एक बार अगर कोई लड़की ऐसा कर देगी ना, मजाल क्या किसी का फेंक दो। देखो कभी कभी बहुत सख्त डिसीजन लेना पड़ता है। एक लड़की का करियर खराब करके रख देता है एसिड फेंक देगा से यहाँ पे। ऐसा थोड़ी होता है, किसी को चाह लेने से मोहब्बत आपकी थोड़ी हो जाती है। उसकी भी तो अपनी पसंद ना पसंद होनी चाहिए यहाँ पे ना। आई एसिडे फेंकेंगे हम, लड़की रहते ना हमारे ऊपर कोई फेंकता ना, हम तब एगो अपन एगो संस्था खोलते, बदला लो संस्था। जितना दुनिया की लड़की रहती है किसकी किसी के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है। अच्छा तू ऐसा छेड़खानी कौन कर रहा है? सुरेश एड्रेस बताओ। हाँ ए, एक पाव एसिड ला, एक पाव एसिड ले। ए सुरेश ले ले। अरे भाई साहब लाइफ खराब कर दिया, अब आप बदला लो ताकि लोगों के डीएनए में ये दर्द घुस जाए, हर लड़का लड़का के दिमाग में बैठ जाए कि अगर हम किसी लड़की के ऊपर एसिड फेंकेंगे तो हमारे बाप के ऊपर भी फेंक देगी, वो माँ के ऊपर, बहन के ऊपर, पूरा खानदान फेंक देगी। उसके बाद क्या होगा? लड़की के ऊपर भी मुकदमा चलेगा। चलो असीदा को गवाही देने जो जाएगा कोटे में फेंकेंगे। बर्बाद तो बर्बाद सही, लेकिन दूसरे किसी को बर्बाद ना होने देंगे यहां पर। इसलिए हर लड़की को कहते हैं, आप अपना अधिकार, अगर अगर आपके साथ कोई टू मच, अगर बहुत ज्यादा हो गया ना, उसको भी ऐसी सजा दीजिए यमराज भी कांप जाए, आपके सामने ना ले जाए कि हमारे ऊपर फेंक दी। एसिड सब एक लिमिट में होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपने रहेंगे शक्ति कपूर की तरह, चल जाएंगे कटरीना कैफ के पास, लात बर्फे करेगी यहाँ पर। लड़की, अरे यार तुम लोग अजीब कहता है, लड़की सबको सब नहीं पसंद, वो सबको सूरत उरत से मतलब नहीं होता। आप जिस चीज में अच्छे हैं उस क्षेत्र में आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई टाइपिंग कर रही है, उसके बगल में आप जाके 60 की स्पीड से टाइपिंग मारने लगे, खट 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 खट, देखिए ओ माय गॉड, हो गया, खत्म कहानी। कोई मेहनत, तुम लोग को सिलेबस ही नहीं पता है तो क्या होगा? कोई मेहनत की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई लड़की डांस सीख रही है, उसकी जगह आके उनको बढ़िया नाच दीजिएगा, कितना अच्छा नाचता है। कोई पेंटिंग बना रही है, नहीं बनाने आ रहा है, वहां जाके आप, अगर आप पेंटिंग में अच्छा है तो खूब अच्छा पेंटिंग बन, ओ माय गॉड। ये सिलेबस है, तो लो आउट ऑफ सिलेबस करेगा तो तेजाब फेंकेगा, ये करेगा। अगर कोई लड़की पढ़ने में ठीक है, आप बगल में बैठ के टॉप कर जाइए, बस खत्म। जिस दिन आप टॉप करेंगे क्या पूछेंगे? कितना घंटा पढ़ते हो? आपका बस अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नंबर ले लो, जब कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना। खत्म दुकान कर रहा है सिलेबस के हिसाब से। चल लड़की ने बोला हम गलत बोल रहे हैं। यही होता है, बाकी कुछ। अगर किसी लड़की को फोर व्हीलर सीखने का शौक है,
ऐसे फोर व्हीलर, तो आप उसको शौक है ना, फोर व्हीलर में झमेला होता है ससुरा, देखो तो हत्ता बड़का गाड़ी, उसका बैलेंस नहीं बनता है, शुरुआत में बैलेंस नहीं बनता है, कंफ्यूजन हो जाता है, पहले का बैलेंस बनाएगी, क्लच बेयर गियर ये सब में दिक्कत होता है, लड़की सब अपने स्कूटी की आदत रहता है। आप उसको बस क्या सिखा दीजिए, कुछ मत बोलिए, कोई वैल्यू मत दीजिए, देखबो मत करिए उसकी ओर, बस उसको गड़िया सिखा दीजिए एकदम बढ़िया से, हाँ ऐसे वैसे वैसे, जब एकदम सिखा देंगे, थैंक यू नंबर दे, कभी कभी पार्किंग में फंस जाएगी गाड़ी तो फोन करेंगे, नंबर मिला तो आप गाड़ी लेके निकल दीजिए, हो गया, बकलोल है सब यहाँ पे। आगे बढ़े, लड़की सब को सब सही बात बताएं, भले मुंह पे बोल देगी सब ना, ऐसा नहीं है आप, जो ध्यान से देखो, ज्यादा वैल्यू मत दो, चक्कर पकड़ देखेंगे तो पसंद नहीं करती है सब, जो नहीं देखता है उसको ज्यादा वैल्यू देती है सब, देख नहीं रहा है, सुबह एक घंटा मेकअप किया अभी तक नहीं देख रहा है, बस हो गया हो गया हो गया, लाइव वाले सबको भी पता चल गया एकदम। यहाँ ग्राफिक नामक सवाल से क्या बनता है, लिटमस ओरिजिनली कैसा होता है, एसिड क्या कहता है, ला, याद कैसे रखें, किसी पे एसिड फेंकेंगे तो गुस्सा से लाल लाल हो गया, अब लाल से वापस इसको क्या करना है, ब्लू बनाना, तो क्या करना है, क्षार, ये क्या कर देता है, नीला, लाल को क्या कर देता है, नीलम, लाल को नीलम, किसी को दिक्कत, एसिड नीला को क्या करता है, लाल, अब बेस लाल को नीला, ओरिजिनली किस कलर का होता है, हाँ ब्लू कलर का होता है, कवक एवं शैवाल के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, कवक शैवाल के बीच की कड़ी, ग्राफिक्स नामक लाइकेन से, लिटमस पेपर, ग्राफिक्स नामक लाइकेन से, असीमिया नामक लाइकेन से हम लोग दवा बनाते हैं, लोग इसमें नहीं दिया है क्या, सबसे लास्ट में दे दिया है, असीमिया नामक लाइकेन से टीटीपी का दवा बनाते हैं, लास्ट में दे दिया है, परमिलिया नामक सवाल से मिर्गी की दवा बनाते हैं लोग लाइकेन से, देखिए ये तो हो गया ग्राफिक्स, क्या हो गया ग्राफिक्स, परमिलिया नामक एक लाइकेन होता है, क्या नाम होता है उसका, परमिलिया, तो परमिलिया इससे किस चीज की दवा बनती है, मिर्गी की, किस चीज की दवा, मिर्गी की दवा बनती है, मिर्गी में देखिएगा उसका दिमागवा का एमसीबी शॉर्ट कर जाता है, वैसे ट्रांसफार्मर में कभी एक तार दूसरे तार से शॉर्ट जाता था, धड़धड़ाने लगता, उसी तरह उसका दिमागवा में ना क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो पगला जाएगा, इसी से उसी को क्या कहता है, मिर्गी उपट गया, क्या हो गया मिर्गी, तो उसकी दवा किससे बनती है, परमिलिया नामक लाइकेन से, परमिलिया नामक लाइकेन से किस चीज की दवा बनेगी, मिर्मी, असीमिया नामक लाइकेन से टीपीटी, असीमिया, असीमिया नामक लाइकेन से डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनस, डिप्थीरिया में गला सड़ जाता है, घाव हो जाता है गला में, डिप्थीरिया में गला में क्या हो जाता है, घाव हो जाता है, पर्ट्यूसिस काली खांसी, एकदम खांसेगा जैसे लगेगा डीजे बजा रहा है, देखते हैं खांसे खांसता है तो हिला देता है एकदम, बेस बनाता है सब, बेस बहुत तगड़ा रहता है, खतरनाक खांसेगा सब, देहात में बोला जाता है कुकुर खांसी, देहात में क्या कहते हैं, कुकुर खांसी, एकदम भयानक खांसता है सब वहां पे, एकदम डीजे टाइप का, तो बताइए डी से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में क्या प्रभावित होता है, गला, डिप्थीरिया में गला, अपी से पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी, देहात में इसे कुकुर खांसी, काली खांसी कहिए या कुकुर खांसी कहिए, अट्टी से टिटनस, टिटनस तो बहुत खराब बीमारी है भाई साहब, टिटनस, टिटनस में ना इंसान का शरीर खदड़ने लगता है अंदर से, टिटनस के जो जीवाणु अंदर घुस जाते हैं ना तो मांस खाने लगते हैं, हड्डी चीर चीर के, बाप बाप चिल्लाता है वो आदमी, उसको बांध के रखा जाता है टिटनस के मरीज को अंधेरे कमरे में, उस कमरे में थोड़ा भी रोशनी नहीं रहती है, रोशनी में कीटाणु थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है सर, इतना बाप बाप चिल्लाएगा ना, बांध के रखिएगा ना, तो बेड पे बांधा जाता है ना, तो बेड को भी बांधा जाता है जमीन से, मतलब बेडवा ले ले उठ जाएगा इससे, एकदम भयानक, इतना भयानक दर्द करता है, बहुत बुरा तकलीफ होती है टिटनस नामक बीमारी में, इसलिए इससे बचने के लिए, टिटनस से बचने के लिए इंजेक्शन लगा लीजिए टेटबैग का, टेटबैग का इंजेक्शन एक बार लगाते हैं तो 6 महीने तक आपको वो टिटनस होने नहीं देता है, 10-15 रुपए का इंजेक्शन आता है, तो एक तो आप लगा लिया कीजिए, हमको हो चाहे ना हो, कुछ हो चाहे ना हो, फरवरी में एगो लगा लेते हैं, एगो अक्टूबर में लगा लेते हैं, टेंशन खत्म, लगाए यहाँ पे 6 महीना रह जाता है सर, तो 6 महीने के अंतराल पे क्या करना चाहिए, लगा लेना चाहिए टेटबैग, वैसे भी लड़का है तो कटना पटना तो फिक्स है, कहीं हर महीने में एक ना एक बार कहीं थूर कूच कहीं करेगा वो, समझा कि नहीं, लड़का थूर कूच नहीं तो सुंदरता लड़कियों में अच्छी लगती है, लड़के तो खूंखार ही सही लगते हैं, खूंखार लगना चाहिए ना,
माथा होता चार चार जगह से फटल हो। बचपन में तो आदमी बातें बातें तनी झगड़ा हुआ सीधे मुंह में पकड़ लेता था, नोच लिया उसका, बकोट के गया घरे हुआ। हम लोग को बचपन में खूब टेटनस का इंजेक्शन लगा, कोनो बकोट लेता था डेली, कोनो ना कोनो से बकोट के आते थे तो ओकरो आदमी बकोट लेता था यहाँ पे। तो टेटनस के इंजेक्शन से हमको बचना, लेकिन अगर टेटनस हो गया तो बहुत मुश्किल होता है ये बचाने के लिए। तो फिर असीमिया नामक क्या किसका प्रयोग किया जाता है, सवाल तो है नहीं, लाइकेन का। तीन लाइकेन आप देखें, पहला ग्राफिक्स, दूसरा बर्मिलिया, तीसरा असीमिया। कवक के बारे में सब बता दिए थे, कवक का कवक की कैटेगरी कितना देखे थे, तीन। सवाल की तो कुछ ज्यादा ही था, हरा सवाल, नीला सवाल, भूरा सवाल, लाल सवाल, प्रोटोडर्मा सवाल, लेमिनेरिया सवाल, क्लोरोला सवाल, दुनिया भर के सवाल थे सब। यहाँ पे लाइकेन के बारे में देखिए, ग्राफिक्स नामक लाइकेन से लिटमस पेपर, ग्राफिक्स नामक लाइकेन से लिटमस पेपर की प्राप्ति होती है। किसी को कोई दिक्कत, लिटमस ओरिजिनली कैसा होता है, लाल कब होगा, अब लाल हो गया वापस नीला करना है, अतः लिटमस पेपर को सूचक कहते हैं, इंडिकेटर, ये बता देगा क्या है वो है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। लिटमस पेपर वगैरह के बजे ये लाइकेन ओरिजिनली किस कलर का होता है, ब्लू, ब्लू का। परमिलिया नामक लाइकेन का प्रयोग, परमिलिया का प्रयोग, असीमिया का प्रयोग, ग्राफिक्स का प्रयोग, नीला लिटमस पेपर को लाल कौन करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करता है, आर्किल नामक लाइकेन को नीला रंग बनाया जाता है। अब तो गया काम से, पहले इसके नील की पहले नीला रंग के लिए आर्किल नामक क्या है बनाया जाता था, लाइकेन बोया जाता था, और उसके बाद उससे क्या बनाया जाता था, नीला रंग बनाया जाता है, क्योंकि लाइकेन ओरिजिनली कैसा कलर का होता, नीला। बाद में सिंथेटिक नील की खोज हो गई और अब नील चढ़ाया जाने लगा, तो नील का प्रचलन भी अब खत्म हो गया। अब कोई कपड़ा पे नील चढ़ाता है, चार बूंद वाला, उजाला, ऐसे करके पहले खूब प्रचार देता था। तो नील, नील से अब तो बहुत फैशन खत्म हो गया नील वगैरह का, वो फैशन कभी आते रहता है जाते रहता है नील वगैरह का, अब नील का प्रयोग नहीं होता है। इंडो कार्प होना चाहिए, तो इंडो कार्य लिख दिया, उसको सुधार लीजिएगा। परमिलिया नामक लाइकेन से मिर्गी की दवा बनती है, उसके नीचे लिखा ना इंडो कार्य, उसको लिखिए इंडो कार्प। इंडो कार्प ये सब्जी खाता है सब, जापान वाला। इंडो कार्प नामक लाइकेन का प्रयोग जापान में किस रूप में होती है, सब्जी के, सब्जी खाता है। इंडो कार्य लिख दिया है, क्या बना देंगे, कार्प। इंडो कार्प नामक सवाल से लाइकेन से सवाल बार बार बोल दे रहे हैं, हो गया। इंडो कार्प नामक लाइकेन का जापान वाला क्या करता है, सब्जी। अलग अलग जगहों के अलग अलग खाना होता है, साउथ इंडिया के खाना नॉर्थ इंडिया के खाना से अलग रहेगा, राजस्थान वालों का खाना गुजरात वालों का खाना सबका अलग अलग होता है, जैसा जहां पे अवेलेबिलिटी रहता है। सबसे उठपटांग खाना चाइनीज का रहता है, अरे भाई साहब मत पूछो, तिल चट्टा और चट्टा सब खा जाता है। हालांकि सब वो सबका अब जो उन सबका फूड चेन है चाइना वाला का, इससे पर्यावरण संकट में आ जाता है, मतलब सांप खाएगा सब और जिंदे मार के खाएगा सब, मगरमच्छ खाएगा सब, ऑक्टोपस खाएगा, अरे तेरी। कुछ दिन में जब चाइना वाला कुछ दिन में देखिएगा ना, सुनाई देगा चाइना के आदमी ने अपने बूढ़े दादा को मार के खा गया मार के खा जाएगा सब। कोरोना, हाँ कोरोना थोड़ा साइज में बड़ा रहता तो उसको भी खा जाता सब चाइनीज सब वहां पे। डीपीटी को क्या कौन सा वैक्सीन कहते हैं, ट्रिपल वैक्सीन, क्योंकि तीन बीमारियों की दवा है। डी से डिप्थीरिया, पी से, टी से असीमिया नामक लाइकेन से कौन सी वैक्सीन, ट्रिपल वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, ट्रिपल वैक्सीन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है। इसके बाद किसका नंबर आता है, जीवाणु, किसका, इंडो कार्प का प्रयोग किस कौन किस रूप में होता है, सब्जी के रूप में किसका प्रयोग होता है, इंडो कार्प, किसका। अब देखिए प्लांट किंगडम को दोबारा देखते हैं, अब बार बार इसको हम बनाते हैं इसलिए कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। इधर क्या रहेगा, उष्पोद्भिद, उष्पोद्भिद, फेनरोगेम, क्या कहेंगे, फेनरोगेम या क्रिप्टोग्राम, अपुष्पोद भिक, अपुष्पोद भिक, क्या इसको क्या कहेंगे, सी लिख देते हैं, क्रिप्टोग्राम। कितने भाग में, कितने भाग में, कौन कौन, फैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और इधर टेरिडोफाइटा,
शैवाल, लाइकेन, लाइकेन के बाद जीवाणु। जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। क्या कहेंगे? बैक्टीरिया। कवक का कितनी कैटेगरी देखे थे? तीन। कौन कौन? मशरूम, मशरूम के बाद पेनिसिलिन, उसके बाद यीस्ट। शैवाल का कई रूप देखे थे? भूरा शैवाल चारा के रूप में, नील हरित शैवाल खाद के रूप में, लेमिनेरिया नामक शैवाल आयोडीन के रूप में, प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कछुआ के ऊपर, कोलोप्ला नामक शैवाल अंतरिक्ष में, ट्राइकोडेस्मियम शैवाल लाल रंग, अल्फा पाइको एरिथ्रियम हरा, अल्फा पाइको जेंथियम किस रंग का? भूरे रंग। हो गया। लाइकेन को देखेंगे, बताइए ये भोजन बना पाता है अपना? ये भोजन को किस रूप में रखता है? स्टार। दोनों के बीच की कड़ी लाइकेन को, लाइकेन और इनली किस कलर का? नीले रंग का होता है। इसमें हम लोग कई कैटेगरी देखे थे लोग, लाइकेन में भी देखे थे कि इंडोकार्प का प्रयोग, इंडोकार्प का प्रयोग सब्जी, जापान वाला सब्जी करना है। परमिलिया नामक लाइकेन मिर्गी की दवा, परमिलिया नामक, परमिलिया से मिर्गी की दवा। दूसरा ग्राफिक्स नामक सवाल से लिटमस, ग्राफिक्स से लिटमस। असीमिया नामक सवाल से टीपीटी का टीका लगता है। बचपन में आप लोग जब बच्चा जन्म लेता है तो सप्ताह, पहले सप्ताह के अंदर उसको कौन सा इंजेक्शन लगा देता है? टीपीटी का टीका लगा दिया जाता है ताकि बचवा बीमार न पड़े। लेकिन ससुराल जब तक वो 3 साल का नहीं हो जाता है सब, हमेशा कुछ ना कुछ उखड़ले रहता है उन सबका। कब हाथ उखड़ जाएगा, कब दांत निकलेगा, कब कुछ होगा, सबको बीमारी छोटका लड़का सबको रहता ही रहता है। इसलिए इसमें बचपन में ही टीका लगा दिया जाता है। आगे का क्लास कल समझेंगे लोग। कल हम आपको क्या पढ़ा देंगे? जीवाणु। ये सबसे बड़ा चैप्टर है बॉटनी का।